सारे भाइयों ने जो है पर्सनली मुझे बोला था कमेंट सेक्शन में कि हमें आगे का मैप अभी बता दो, तो कैसे क्या रहने वाला है। तो कोची जाएंगे, उसके बाद फोर्ट कोची जाएंगे, उसके बाद मुन्नार जाएंगे, उसके बाद वायानाड अपना हो जाएगा। अब तो सब कुछ छोड़ो यार, कोई रेस्टोरेंट एक ढूंढ ले यार, भूख लग गया कब से। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम कोलाम में, और कोलाम से जाने वाले हैं हम कोची, और यहां से अगर हम बात करें तो कोची अप्रॉक्स 120-150 के आसपास ऐसे कुछ किलोमीटर्स हैं। तो रास्ते में जो भी सीन्स होंगे वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, एंड रेडी हो चुके हैं सभी लोग, मनु भाई, इमरान भाई एंड मी। जी गाइज, ये रही अपनी राम प्यारी। और अभी आपको अगर हम बताएं तो अभी है हम यहाँ पे केरला, और बहुत सारे भाइयों ने जो है पर्सनली मुझे बोला था कमेंट सेक्शन में कि हमें आगे का मैप अभी बता दो, तो कैसे क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी यहाँ से केरला के बाद कर्नाटका के बाद गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद राजस्थान के बाद दिल्ली के बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल के बाद जम्मू के बाद घर ऑब्वियसली कश्मीर। तो बने रहे वीडियो में, तो निकलते हैं यहाँ से। आज आपका भाई फुल फॉर्म में लग रहा थे, मनु भाई फुल फॉर्म में। मनु भाई मन नहीं कर रहा थोड़ा सा घर को छोड़ने का ना? याद तो आएगी। तो जी बने रहे आप वीडियो में। आज की वीडियो भी जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फिलहाल तो गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से, काफी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। तो चलो नियर हो, क्या हो रहा है रूपाई? बस एक्चुअली ना बाहर का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री है, तो हमने सोचा वो टेम्परेचर को खत्म करने के लिए चाय हो जाए। गाड़ी में ये देखें चाय है। गाड़ी में माइनस टेम्परेचर कर रखा है कश्मीरी गाड़ी में। हमने कश्मीर के लोग सब कुछ उल्टा ही क्यों करते हैं? गाड़ी में हमने -10 करा रखा है, -10। कश्मीरी इसलिए सब कुछ उल्टा करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी यूनिक डिफरेंट। इसीलिए इमरान भाई चाय कीजिए। चाय खत्म हो गई मनु भाई, दो कप हो गए, अब काफी है। गर्मी लगेगी अगर ऐसी एक मिनट बंद कर दी हमने, फिर गर्मी नहीं सहन कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। एक और एक बात है ना, एक्चुअली यहाँ पे ना 12 बजे के बाद चाय नहीं मिलती है, 11:30 बजे के बाद। हमने पिछले 2-3 दिनों से नोटिस करा, तो इसलिए हमने सुबह ही बना के रखी थी एक केटल, तो इसीलिए अभी पी रहे हैं, क्योंकि हमें पता था हम चाय लवर है। आपको तो खुद पता है कि कितनी चाय पीते हैं थारा भाई, कितनी चाय पीता है। और हम आपको ये बताता चले कि चाय पीने से माइंड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। गर्मी के बारे में कुछ वर्ड्स हो जाए। गर्मी जी, गर्मी गर्मी होती है भाई, इसमें क्या मतलब कितनी गर्मी है? क्या गर्मी, वो तो सबको पता है गर्मी गर्मी है। गर्मी इतनी है कि जितनी होनी चाहिए केरला में। हमेशा उल्टी सीधी बातें। गर्मी गर्मी होती है ना बे, गर्मी जैसी भी हो गर्मी होती है, इतना बोल सकते हैं। 36 डिग्री है अभी और काफी तेज तेज गर्मी। अगर अगर ऐसी गर्मी कश्मीर में होगी तो कश्मीर ग्लेशियर पिघल जाए, इतनी गर्मी है। सारे ग्लेशियर्स नीचे आ जाए, इतनी गर्मी है। पानी पानी हो जाए, सारा पानी पानी हो जाएगा बे, हमारा गमछा भी खुल जाएगा बे। और केरला की एक खास बात है इमरान भाई जी,
यहाँ की वाइब इतना अलग है, यहाँ पे खाली बर्फ की कमी है। तो चलो फिर हम दिखाते हैं अपने फैंस को कुछ यहाँ का सीन्स। फिलहाल तो ये सिटी एरिया है, ऐसे सिटी एरिया है। अभी जब हम मुन्नार और वायनाड जाएंगे ना भाई, देख लियो मजा बहुत आने वाला है। चलो देखते हैं। देखियो भाई मुन्नार से पहले भाई अपनी कोची जाइए होगा ना, पहले तो कोची जाएंगे उसके बाद तो मुन्नार ही जाएंगे भाई। वो तो जावा गया ही नहीं। हाँ भाई पहले तो कोची जाएंगे उसके बाद फोर्ट कोची जाएंगे उसके बाद मुन्नार जाएंगे भाई, उसके बाद वायनाड अपना हो जाएगा। अब तो सब कुछ छोड़ो यार, कहीं रेस्टोरेंट एक ढूंढ ले यार, भूख लगी है कब से। पिछले 24 घंटे कुछ जैसे हो गया, खाली पेट तेरे दिमाग की बत्ती ना जले। तेरी तो जले है बहुत। मेरी तो जलती रहती है। मैं बोलता हूँ भूख खावा है, फिर तीन दिन प्लेट ठोसता है भाई। बराबर भाई, ठोसने की बात अलग है, गलत बात है। मैं बोलता हूँ कि भूख लगी, लेकिन बर्दाश्त तो है ना भाई। जब जो बंदा नहीं करता है ना, तीन तीन प्लेट खाता है। एक बात तो है इमरान भाई, भूख तो नहीं करा था, भूख तो नहीं करा था, बोलना पड़ता है। तुम्हारा बस चले तो 24 घंटे कुछ ना खाओ, फिर एक ही बार में सारा टब खाओ। बर्दाश्त भाई, बर्दाश्त, पेशेंस पेशेंस भाई, पेशेंस। अब मैं नहीं बता रहा भाई खाने वाने का, ठीक है खुद ही देख लिया भाई। हाँ ठीक है भाई। Okay. मैं तो चलो हम अपने फैंस को ये बताएंगे कि हम हमेशा खाने में क्यों लेट होते हैं। खाने में इसलिए हम लेट होते हैं क्योंकि जब इंसान ट्रैवलिंग पे होता है तो उस टाइम ज़्यादा फोकस होता है कि हमारा ट्रैवल, हमारा जो सफ़र है वो पहले निकल जाए, तो खाना तो बाद में भी हो जाएगा रुपया। हाँ भाई बिल्कुल भाई, अब एक महीने से ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपको खाली बोलना नहीं है कि हमें हम चाय पी रहे हैं ना भाई, जगह जगह रुक के चाय पी रहे हैं। लेकिन चाय तो उसको हम खाना नहीं बोल सकते। चाय एक ऐसी चीज है जो जगह नहीं पा रही। खाना क्यों नहीं बोल सकते भाई? नहीं, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है। कोलकाता जाओ चाय खाबो, चाय खाबो, वहाँ तो खाते हैं भाई चाय, हम क्यों नहीं खा सकते बताइए हमको, क्यों नहीं खा सकते हम चाय? जब वो लोग खा सकते हैं हम क्यों नहीं? बिल्कुल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोची जो है पहुंच गए हैं और हमारी कार जो है वहां से देख सकते हो पार्किंग में जा रहे हो। ये मनु भाई रेस्ट लेते हुए और हमारी यहां पे हो रही है एंट्री। वो रिसेप्शन पे आई कार्ड्स वगैरह दे दिए हैं। ये कुछ इसका लुक, इमी भाई बाहर से देखें सुकून ढूंढते हुए। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रूम पे, दिखाते हैं आपको रूम की सीन। ये रहा हमारा रूम। बाहर का व्यू तो ज़रूर ही देखें। इमी भाई को आज शायद सुकून आए ये रूम में। बाहर की तरफ दो मी भाई भी रेडी हो गए हैं, मनु भाई भी रेडी हो गए हैं, मैं तो ऑलवेज रेडी होता हूँ। एंड ये है हमारा आज का रूम और ये यहाँ से बाहर का व्यू एंड ये यहाँ से बालकनी। और अभी जो है हम बाहर जाने वाले हैं मनु, मी भाई। हाँ जी। कोई अच्छा सा हलाल वाला रेस्टोरेंट ढूंढ के। सुनो 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 बताओ। मस्त 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 मंदी फिर खाएंगे। चलिए आ जाओ। फाइनली आफ्टर 24 आवर्स हमारा लंच एंड डिनर आ गया। चलिए इमरान भाई जो अभी नहीं आए हैं, हम जो तब तक कर लेते हैं आपसे लंच एंड डिनर। तो जी गाइस खाना वगैरह हमने हमारा हो गया है और अभी हम आए हैं यहाँ पे मरीन, क्या बोलते हैं इसको, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव और यहाँ पे कुछ देर चिल करेंगे उसके बाद जाएंगे रूम पे, है ना देखो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे डल लेक वाली फीलिंग है, मिनी डल हम इसको बोल सकते हैं। लाइक डल लेक है जैसे श्रीनगर में डल लेक है, सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी हाउस बोट्स है लेकिन कश्मीर के जो है वो ओल्ड कल्चर टाइप के हैं, बट यहाँ पे इन्होंने इनको कलर्स वगैरह चढ़ाए हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, प्लास्टिक है वो, वुडन के होते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मनु भाई तो फुल मूड में चांद को ताक रहे हैं। ये इमी भाई फिर से बच्चा बन गया देखो। वापस पहुंच गए हम होटल और मेरे आगे आगे याज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रूम में वापस आ चुके हैं और अभी मस्त सो जाते हैं और देखते हैं कल दिन का क्या प्रोसेस रहता है। आज का ब्लॉग अगर किसी भी एंगल से आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करें। एंड हाँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। क्यों क्या समझ ही क्या माना।